राजनगर जनपद पंचायत में आज से मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन कलम व कार्यालय बंद हड़ताल जनपद कार्यालय प्रांगण राजनगर में की गई, जिसमें राजनगर जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संघ की जिला मीडिया प्रभारी एवं मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह बुंदेला, रोजगार सहायक संघ के जनपद राजनगर के अध्यक्ष महेश शुक्ला तथा संजय मिश्रा, प्रदीप जैन, गजेंद्र सिंह बुंदेला, अशोक मिश्रा, नीरज खरे और मनीष सोनी सहित बड़ी संख्या में सचिव, रोजगार सहायक एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से पंडाल लगाकर बैठे हुए हैं। आज आपने ये किन शर्तों को, किन मांगों को लेकर के हड़ताल प्रारंभ की है? कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर पंचायत मंत्री हमारे सचिवी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के द्वारा संयुक्त मोर्चा के जो 17 कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वल्लभ भवन में बुला करके उनसे चर्चा की गई। चर्चा के दौरान उन्होंने हमारी मांगों पर, समस्त मांगों पर विचार तो किया पर ठोस उन्होंने परिणाम नहीं दिए, ना ही कोई आदेश किया है, ना ही कोई सार्थक चर्चा उनसे हो पाई है। हमारी बातें उनने जरूर सुनी हैं, पूरी सुनी है, पर उन्होंने इस पर कहा है कि हम इस पर वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट पिछले सालों से चल रहा है, उसका हम लोगों को आज तक कोई परिणाम या रिजल्ट नहीं मिला है। उन सब चीज़ों से हमारे बड़े व्यथित और दुखी होकर के, बड़ी पीड़ा के साथ इस भारी बारिश के बीच में हम लोगों को यह अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वैसे आपकी मूलतः हम मांगे क्या है, क्या हम सभी 17 संगठनों की जो मूलतः मांगे हैं, जिनमें पंचायत सचिवों की भर्ती 1995 में की गई थी जो कि सर्वविदित है, शासन के पास सभी आदेश हैं, और उनकी गणना 2008 से की गई है। ये हमारी अनार्थिक मांग है जो मुख्य रूप से शासन उनको पूर्ण कर सकता है, परंतु वह आज दिनांक तक पूर्ण नहीं की गई है। हम लोग बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं कि हमारा जो भी एरिया 1995 से 2008 के बीच का है वो ना दिया जाए, और छठवें वेतन की गणना सही करके सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए, और जो हमारे संविदा कर्मी भाई हैं उनको सीधे तौर पर उनकी संविदा समाप्त कर दी जाती है, उनकी संविदा समाप्त न कर करके उनको नियमित किया जाए, और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनका निलंबन किया जाए। यह हम लोगों की मुख्य रूप से संविदा कर्मियों की मांगे हैं। हमारे जनपद के कर्मचारियों की जो उनके पाँचवें छठवें वेतनमान की जो भुगतान हो चुका है उसकी वसूली रोकी जाए और उनको पेंशन का लाभ दिया जाए, और हमारे जितने भी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हैं हम लोग सब लोग आज से मशाल और अखंड ज्योति जला करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम आज ज्ञापन सौंपा है कि हम लोगों की मांगों पर पुनः विचार करते हुए जो भी हम लोगों की मांगें हैं उनका निराकरण करें, अन्यथा यह हड़ताल हम लोगों की 313 जनपदों में और 52 जिलों में चल रही है, जिसमें पूरे शासन प्रशासन की जो भी योजनाओं के सभी कार्य ठप रहेंगे। जनपद और ग्राम पंचायतों में पूर्ण रूप से तालाबंदी है और मजदूर परेशान भटक रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी